हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो आप देख ही रहे स्क्रीन पे, ये डिज़ाइन आज मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। और ये डिज़ाइन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, ये आप साड़ी में जैसे कि बहुत आसानी से कोई भी पैच करके आप इसे बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। कोई भी डिज़ाइनर ड्रेस में भी आप लोग इसे बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। एकदम सिंपल सा एक टेक्निक है ये, और मैं ये टेक्निक को जैसे कि अलग अलग करके भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ताकि मैं दिखा रहा हूँ एक, मगर इस कॉन्सेप्ट को आप कहाँ कहाँ पर किस तरीके से यूज़ कर सकते हो आप स्क्रीन पे आप लोग देख ही रहे हैं, और इतना बढ़िया आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं ए टू जेड इसका दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड, जो डिज़ाइन आप लोगों ने देखा है, तो उसे करने के लिए ये देखिए, ये एक चीज़ चाहिए, दो कपड़े से बनाया हुआ है। और ये मैं नहीं दिखा रहा हूँ किस तरीके से बनाया है, अगर किसी को जानना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसे तैयार करने का एक अलग सा वीडियो मैंने बनाया है जो हमारा इस चैनल में है, तो आप लोग देखिए और वो सीख लीजिए। और उसके बाद हमें और जो जो चाहिए, ये वाला चाहिए हमें, ठीक है, ये गोज है, और साथ ही साथ ये लेस चाहिए, ठीक है फ्रेंड, ये देखिए इसी तरह एक लेस चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले ये जो डिज़ाइन है, इसे आप लोग कहीं भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैं सिर्फ तो टेक्निक दिखा रहा हूँ, एक दिखा रहा हूँ। और ये देखिए फ्रेंड, ये जो हिस्सा है ये दोनों तरफ इसी तरह कच्चा है, और हम चाहते हैं हम इसे इस तरीके से लगाएं। देखिए किस तरीके से लगा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। अपना मशीन का जो स्टिचिंग का जो गैपिंग है थोड़ा सा कम कर दीजिए, इसमें अच्छा होगा, ठीक है। हम करना चाहते हैं इसे इसी तरह पलट देंगे, और इसी तरह सब हम लगा लेंगे। और ये मैं फ्री हैंड दिखा रहा हूँ आप लोगों को, मगर आप लोग क्या करेंगे फ्रेंड, जिस यानी कि कितना दूर हमें एक एक मेजरमेंट चाहिए, आप उसी तरह एक ड्राइंग कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ड्राइंग अगर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये आप इसी तरह से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप खुला भी छोड़ सकते हो, क्योंकि हम इसके ऊपर एक लेस लगाएंगे। तो मैं चाहता हूँ जैसे कि लेस वगैरह कुछ भी लगाइए, अगर थोड़ा सा इसमें पक्का कर दिया जाए तो इसमें बहुत बढ़िया होगा, ये फिनिशिंग अच्छा होगा इससे, ठीक है। इसी तरह ठीक है, ये देखिए ये दो सेटअप इसी तरह सेट हो जाएगा इस जगह में, ठीक है। और हमें चाहिए और दो चाहिए, और ये कपड़ा का कौन सा हिस्सा कौन सी तरफ है आप लोग एक बार देख लेंगे तो सब ठीक ठाक होगा। और उसके बाद हम चाहते हैं ये इस जगह में रहे, इतना दूर आए, तो उसके लिए हमें इधर मेजरमेंट करना पड़ेगा, इसी तरह करेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप एक बार पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे तो और भी आसान होगा, इतना मुश्किल नहीं है ये।
ठीक है फिर, तो इसी तरह हम सेटअप कर लेंगे। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा धागा वगैरह ये सब हम काट लेंगे। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद हम इसे इसी तरह कर देंगे इस जगह पर। ठीक है फिर, तो ये देखिए ये इसी तरह पक्का हो गया है। और ये डिजाइन करने के लिए और भी बहुत अलग अलग तरीका है, और उसके बाद हम इसे देख लेंगे ये सही है गलत है। तो चलिए ये एकदम सही है, और उसके बाद हम जो करने वाला हो इसे इसी तरह हम दे देंगे इस जगह में। ठीक है फ्रेंड, तो ये बाद में रहेगा, और भी बहुत कुछ है हम करेंगे। और फर्स्ट जो हम ये जो लेस है इसे हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से हम इसे फोल्ड कर लेंगे इतना दूर से, और इसका गैपिंग इतना लेंगे जो देखिए किस तरीके से ले रहा हूँ मैं, एक बार दिखा दूँ मैं थोड़ा सा। ये देखिए ये है हम इधर एक्स्ट्रा, आप ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, तो वो एक अलग स्टाइल लगेगा, मगर मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा इसके ऊपर रहे, बाकी जो ब्लैक कप है उसके ऊपर रहे ये लेस। तो इसी तरह आप लोग कट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो इसे करने के लिए जो एक सीजर होता है ये देखिए इसी तरह जिगजैग वाला एक इफेक्ट होता है, मैं चाहता हूँ हमारा ये डिजाइन में ये इफेक्ट दिया जाए। तो वो आप लोग चाहे हमारा जो कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई वीडियो देखिए उसमें मैंने वो सीजर यूज़ किया है, फिलहाल इसमें नॉर्मल सीजर यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद
ये देखिए ये फैब्रिक है जो मेटालिक कलर है ये, ठीक है फ्रेंड दिख रहा है, तो ये है मेटालिक कलर। और ये मेटालिक कलर फ्रेंड रेडीमेड मिलता है बाजार से, ठीक है आप वो यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज कोई भी डस्ट लेकर उसके साथ मीडियम नंबर 2 आप मिला लेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये डिज़ाइन देखिए किस तरीके से हम करेंगे, इसी तरह एक इफेक्ट रखेंगे इसके ऊपर, ये देखिए मैं चाहता हूँ इसी तरह इसके ब्रशिंग इफेक्ट इसके अंदर मैं दे दूँ तो अब उसी तरह हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसके शेड को आप और भी बढ़ा सकते हो, तो जैसे कि मैं सेकेंड टाइम कर रहा हूँ फ्रेंड ये सेकेंड टाइम नहीं चलेगा, आप लोगों को अगर करनी है तो एक ही साथ वो स्ट्रोक को इसी तरह बड़ा कर देना है तो होगा, मगर आप लोग इसी तरह जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह दोबारा आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। एक ही साथ फर्स्ट टाइम आप लोगों को वो एक्सेप्ट देकर वो आप लोगों को करनी है इसी तरह, मैं ऐसे कर रहा हूँ जस्ट दिखा रहा हूँ आप लोगों को, अगर बड़ा करने से इसका इफेक्ट और भी बढ़िया लग रहा है ये देखिए, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ये। ठीक है फ्रेंड, देखा इसका इफेक्ट इसमें हो गया है, और उसके बाद जो हमें यूज़ करनी है ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ये टेक्निक आप लोगों को यूज़ करनी है ये वाला हिस्सा, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा इसे और भी इसका लुक अच्छा अगर दिखे तो इसलिए कुछ हाईलाइट वगैरह इसमें हम यूज़ करना चाहते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, तो चलिए वो टेक्निक भी मैं दिखा रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।